हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज ये दूसरी क्लास होगी रिवीजन की। हम लोगों ने लगातार रिवीजन क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं, जहां पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं किसी भी बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास अभी हम लोगों ने कल ही स्टार्ट की और फर्स्ट क्लास थी वो, और आज हम लोग उसकी दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो वीडियो रहेगा इसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो जो भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ये ऑलरेडी हमारे किसी न किसी बैच में या पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम लोग उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। तो बहुत डीप पे जाकर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं, तो रिविजन क्लास है तो रिविजन के तरीके से ही होगी। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखो, और जैसा मैंने बताया था ना पिछली क्लास में भी बताया था और अभी मैं फिर से बोलूंगा कि हर एक क्वेश्चन के बाद में मैं 2-4 सेकंड का पॉज दूंगा और उस ड्यूरेशन में आपको अपना आंसर मतलब लिखना होगा। आप चाहे तो आप कॉपी पेन पर लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर कमेंट कर बता सकते हो या फिर आप कहीं पर किसी तरीके से नोट डाउन करते रहो। और जब वीडियो खत्म होता है तो वीडियो के एंड में आपको बताना होगा कि आपने 10 आउट ऑफ 10 में मतलब आउट ऑफ 10 में कितने नंबर गेन किए हुए, कितने मार्क्स आपके आए, ठीक है ना। और ये रिवीजन क्लास है तो बहुत ध्यान से आप लोग करो और वीडियो लास्ट तक देखो और लास्ट में बताओ आप लोग कि आपके कितने नंबर आए। और ना आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनो समझो, और इस तरीके से रेगुलर क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। रिवाइज कराने का मैंने सोचा हुआ है कि एग्जाम से पहले तक जो है मैं मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को रिवाइज कर दूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो देखो, आज का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है ऑलरेडी। द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC लिमिटेड इज गोइंग टू मर्ज विद विच बैंक बाई 2024। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड HDFC लिमिटेड वित्त वर्ष 2024 तक किस बैंक के साथ विलय करने जा रहा है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो बताओ आप लोग आंसर इसका, बताओ क्या इसका आंसर होगा। पहले आप लोग आंसर बताओगे फिर मैं बाकी चीज़ें बाद में क्लियर करूंगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ आप लोग क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर का ऐलान हुआ भी, ठीक है, और वित्त वर्ष 2024 के क्वार्टर सेकंड और क्वार्टर थर्ड, ठीक ना, क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री तक इसका मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। लगभग इसके मर्जर में 18 मंथ 18 महीने का टाइम लगने वाला है, वित्त वर्ष 2024 के क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री के दौरान जो है इस बीच में इसका मर्जर हो जाएगा और लगभग 18 महीने लगेंगे इसके मर्जर होने में। और मर्जर होने के बाद में दोनों के बैलेंस शीट जो है वो 17.87, दोनों की जो बैलेंस शीट है वो 17.87 लाख करोड़ रुपए की हो जाए ये, ठीक है। और नेटवर्थ की अगर हम लोग बात करेंगे तो 3.3 लाख करोड़ की हो जाएगी। ठीक, तो कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर HDFC बैंक। ऑप्शन में जितने भी बैंक के देंगे इनका हेडक्वार्टर रिकॉल आप लोग कर लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैनरा बैंक, SBI, PNB एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैव रिसेंटली रिड्यूस्ड देयर स्टेक इन इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL टू व्हाट परसेंट। केनरा बैंक, SBI, PNB, यूनियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL में अपनी हिस्सेदारी घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो शुरू के 2-4 सेकंड आप लोगों के लिए हैं, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप अभी से सारे क्वेश्चन का आंसर देते रहो और वीडियो के एंड में आपको अपना फाइनल स्कोर बताना है कि 10 आउट ऑफ 10 आपको कितना मिला हुआ। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 5%। ऑप्शन नंबर है 5% जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। 5% घटाकर ये हिस्सेदारी करने का ऐलान किया गया है। इन सभी बैंकों ने अपनी अपनी हिस्सेदारी घटाकर 5% कर ली। पहले इनकी हिस्सेदारी जो भी रही हो उससे मतलब नहीं है, इन सब ने अपनी हिस्सेदारी इस समय वर्तमान में घटाकर 5% करने का ऐलान किया हुआ है। ठीक है ना, और ये IDRCL के बारे में आने पड़ेंगे, ये ऑलरेडी मैंने बताया कि रिवीजन क्लासेस हैं तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को हम लोग रिवाइज करते हुए अच्छे लगेंगे। प्रॉपर डिटेल्ड क्लासेस अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप लोग कोर्सेज अगर परचेज कर सकते हैं। और ऑलरेडी जिन लोगों ने परचेज कर रखा है वो तो मतलब ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आप लोग भी इसका आंसर दिया करो। ठीक है, 5% इसका आंसर हो जाएगा। एक 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 बार ये चीज़ जान लेते हैं कि पहले इनकी कितनी कितनी हिस्सेदारी थी और बाद में घट के कितनी है। कैनरा बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैनरा बैंक की पहले हिस्सेदारी 14.90% की थी और ये बाद में घटकर 5% हो गई। ठीक है, SBI की अगर हम लोग बात करते हैं तो SBI की जो पहले हिस्सेदारी थी वो 12.30% की थी, यानी कि 12.30% की थी, बाद में घटकर ये 5% हो गई। पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB की अगर हम लोग बात करेंगे तो PNB की पहले हिस्सेदारी 11.8% थी, बाद में घटकर 5% कर दी गई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की
पहले जो हिस्सेदारी थी वो 12.30% थी, बाद में घटाकर 5% कर दी गई है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के लिए और रहेगा, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, ये एमसीक्यू वाले पार्ट में हम लोगों ने मतलब एड ऑन तो नहीं किया, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट कर कर बताओगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी होती है आईडीआरसीएल में। ये जो आईडीआरसीएल है इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी होती है, और एक होता है एनएआरसीएल, एनएआरसीएल तो एनएआरसीएल में पब्लिक सेक्टर बैंक की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी होती है, ये दोनों स्पेसिफाई करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे और अपनी तैयारी को आप लोग एडजस्ट करते हुए चलो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू डॉक्यूमेंट नेम्ड डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन डीडीपीआई, इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी ने डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन डीडीपीआई नामक एक नया दस्तावेज पेश किया हुआ है, यह किस तारीख से लागू होगा, ठीक। तो स्टार्टिंग के 4-5 सेकंड आपके, आंसर बताओ कब से ये लागू होने वाला है, कब से लागू हुआ या होने वाला है या हो गया, जैसे जो भी है। डीडीपीआई अभी हाल ही में सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है और ये कब से प्रभावी हो जाएगा, कब से लागू किया गया, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अब तक आंसर दे दिया होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2022, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑलरेडी जुलाई चल रही है तो लागू हो चुका है, 1 जुलाई 2022 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने अपने कोर्स में और हर जगह बताया हुआ था कि मैं सेबी, नाबार्ड, आईआरडीएआई, सिडबी, आरबीआई इन सबसे रिलेटेड न्यूज़ को भी शामिल करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग इसको अपने कोर्सेज में बैच में जब पढ़ रहे थे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, काफ़ी इनडेप्थ जाकर इसके बारे में पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पर अभी इतना इतना डीप में तो नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें मतलब ना पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो 1 जुलाई 2022 से ये नया डॉक्यूमेंट जो है वो प्रभावी हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और बस इतना ही जानेगा, और मतलब है तो काफ़ी लंबा है, लेकिन बस रिवीजन क्लास है तो बस रिवीजन के तरीके से करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर है 1 जुलाई 2022 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट क्लाइंट्स फ्रॉम लार्ज वैल्यू चेक फ्रॉड्स, विच बैंक हैज रिसेंटली मैंडेटेड ए पॉजिटिव पे सिस्टम PPS फॉर चेक्स ऑफ ₹10 लाख एंड अबव, ठीक है। ग्राहकों को बड़े मूल्य के चेक धोखाधड़ी से बचाने के लिए हाल ही में किस बैंक ने ₹10 लाख और उससे अधिक के चेक के लिए एक सकारात्मक भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी है, ठीक है। और टाइम आप लोगों को स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करो। पहले आप लोग इसका आंसर दोगे उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। सेकंड थिंग, ये मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से हो सकती थी कि उस बैंक का नाम बता देते पर्टिकुलर जो भी इसका आंसर होगा, और ये बोल देते कि इस बैंक के द्वारा अभी हाल ही में जो PPS यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम मैंडेट किया गया है वो कितने रुपए के चेक के लिए मैंडेट किया गया है, तो यूज कंडीशन में इसका आंसर होता 10 लाख रुपीज एंड अबव, ठीक है ना। तो ये 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए वाली जो वैल्यू है ये याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। तो 10 लाख रुपए या इससे अधिक के लिए PPS सिस्टम जो है वो पॉजिटिव पे सिस्टम जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। अब कौन से बैंक के लिए मैंडेटरी के द्वारा मैंडेटरी किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने आंसर दिया होगा। इसका आंसर जो होगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर ए पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ये 10 लाख वाला अमाउंट याद रखना, रिवीजन क्लास है तो ये जरूरी चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ, रेगुलर क्लास में भी बताया था, रिवीजन में भी बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना आप लोग 10 लाख एंड अबव ये वैल्यू आप लोग याद रखना, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जितनी भी बैंकें दी गई, हेडक्वार्टर, MD एंड CEO, टैगलाइन, किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी करो ये आपको पता होनी चाहिए, रिकॉल करते हुए चलो, ठीक है। एक टर्म यहाँ पर यूज हुआ है PPS, पॉजिटिव पे सिस्टम, हालांकि इतना डीप में तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि PPS क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक ना। PPS यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम होता है, और ये जो PPS होता है ये NPCI के द्वारा डेवलप किया गया है, और इस PPS के तहत में जो है ज़्यादा वैल्यू या ज़्यादा अमाउंट के जो चेक होते हैं उनके, अगर कोई भी चेक ज़्यादा वैल्यू का है, ज़्यादा अमाउंट का है, तो उसके कुछ एसेंशियल डिटेल्स को रिकन्फर्म किया जाता है क्लियरेंस से पहले, चेक को क्लियर करने से पहले, चेक क्लियर करने से पहले जो भी कुछ इसेंशियल डिटेल्स होती हैं उन्हें रिकन्फर्म किया जाता है, उसको क्रॉस चेक किया जाता है, जिससे कि फ्रॉड से बचा जा सके, ठीक है। और अभी हाल ही में जो है पंजाब नेशनल बैंक ने 10 लाख रुपए या इससे अधिक के चेक्स के लिए यही PPS सिस्टम मैंडेटरी किया हुआ है, और ये PPS सिस्टम कब से प्रभावी हो गया ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो PPS सिस्टम है ये 4 अप्रैल 2022 से ऑलरेडी प्रभावी हो चुका है, 4 अप्रैल 2022 से ये प्रभावी हो चुका है, ठीक है ना। और केवल PPS में रजिस्टर्ड चेक ही
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंडर एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर किसी चेक में कुछ डिस्प्यूट आता है और वो पर्टिकुलर जो क्लाइंट होता है वो पीपीएस में अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, तो फिर वो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है उसके अंदर उसके केसेस जो हैं एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। तो बस इतना जानेंगे यहाँ पर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द प्राइमरी डाटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्हाट इज द इंक्रीज्ड इंडिया ट्रेड डेफिसिट ड्यूरिंग 2021 एंड 2022। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान भारत का व्यापार घाटा कितना बढ़ा है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम आप लोगों के लिए रहेंगे, ठीक है। आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करो, और बात हो रही 2021-22 के दौरान, ठीक है। इसका आंसर दो आप लोग एक बार खुद से बताओ। तो अभी तक बता दिया होगा आपने ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 192.41 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर सी। 192.41 बिलियन USD ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी कुछ टाइम पहले कुछ अपने डाटा रिलीज किए हुए थे, और इस डाटा के अनुसार 2021-22 में 2020-21 की तुलना में इंडिया का डेफिसिट जो है वो 87.5%, ठीक है ना, 87.5% बढ़ा हुआ है, ठीक है। और 2020-21 के दौरान ये ट्रेड डेफिसिट जो है वो 102.63 बिलियन USD था, जबकि 2021-22 के दौरान ये 87.5% बढ़कर 192.41 बिलियन USD हो गया, और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना बढ़ा ये भी आप लोगों को बताया गया कि 87.5% बढ़कर ये इतना हो गया, ठीक। और बस इतना जानेंगे और चलो आगे देखते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द डिजिटल बैंक विद इन बैंक एज पार्ट ऑफ इट्स फ्यूचर रेडी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। किस बैंक ने हाल ही में अपने भविष्य के लिए तैयार डिजिटल परिवर्तन परियोजना के हिस्से के रूप में बैंक के भीतर डिजिटल बैंक बनाने की घोषणा की है, ठीक ना। डिजिटल बैंक विद इन बैंक कौन से बैंक है, ऐसे उस बैंक का नाम बताना है जिसने अपने बैंक के भीतर ही, ठीक ना, डिजिटल बैंक विद इन बैंक बनाने का फैसला किया हुआ है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, तो इसका आंसर दो आप लोग, पहले आप लोग आंसर दो इसका, तो 4-6 सेकंड जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा। और इसी पैटर्न पर हम लोग लगातार आने वाले सीरीज में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में 2-4 सेकंड आप लोगों के लिए रहेगा, और आप लोग आंसर बताओगे, फिर उसके बाद हम लोग ना आंसर जानेंगे, और वीडियो के एंड में आपका स्कोर जानेंगे, और स्कोर जानना जरूरी है, ठीक है ना। लास्ट वाले वीडियो में भी 2-4 लोगों ने ही अपने स्कोर कमेंट किए हुए हैं, या तो लोगों ने देखा नहीं होगा, देखने के तो मतलब देख ही लिया, लोगों ने व्यूज तो आए हुए हैं लेकिन वो देख कर चले गए हैं, अपना स्कोर वगैरह कमेंट नहीं किया, तो ये थोड़ा सही तरीका नहीं है, ठीक है। सही तरीके से तैयारी करो, अपना स्कोर अपना जज करो खुद को, अपना सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ इवेल्यूएशन होना चाहिए, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक फ्यूचर रेडी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, और इसी प्रोजेक्ट के एक पार्ट के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंक विद इन बैंक क्रिएट करने का फैसला लिया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के तहत बैंक ने एक सुपर ऐप यूनियन नेक्स्ट डू इट योर सेल्फ, फिर से सुन लो आप लोग, इस प्रोजेक्ट के तहत में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक सुपर ऐप यूनियन नेक्स्ट डू इट योर सेल्फ, ये भी पूछा जा सकता है जो मैं बता रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। अभी मैं जो क्विज बनाऊंगी ये सारी चीज़ें वहां पर मैं इंक्लूड करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है। यूनियन नेक्स्ट डू इट योर सेल्फ लॉन्च किया, और भी ये क्विजेस जो है ना, जो भी हम लोग यहां पर ये पढ़ रहे हैं, इसका अगर आप लोग ये सारी चीज़ें इसको MCQs के फॉर्मेट में चाहिए होगी, तो जो हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया हुआ है ना क्विजेस वाला, क्विजेस फॉर प्रैक्टिस, ठीक है ना, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस के जो भी क्विजेस हैं उस फॉर्मेट में वहां पर भी मिलेंगे, और भी कुछ मिसलेनियस क्विज भी मैं तैयार कर रहा हूं, तो वो भी आप लोगों को जो क्विज वाली क्लास है, जो क्विज वाला बैच है हमारा, उसमें मिलेगा। अगर आप लोग उसको लेना चाहो तो जाकर वहाँ पर ले सकते हो, और भी एक्सप्लेनेशन से जो क्विजेस बनती हैं वो भी मैं बना रहा हूँ, आने वाले टाइम पर वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक। हम वापस आते हैं क्वेश्चन पर, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, हालांकि इतने डीप में पढ़ते नहीं है रिविजन क्लास में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डीप में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यूनियन नेक्स्ट डू इट योर सेल्फ लॉन्च किया गया इस प्रोजेक्ट के, मतलब प्रोजेक्ट के तहत में जो यूनियन बैंक का है उस, और ये सुपर ऐप है, इसके माध्यम से डिजिटल इकोसिस्टम जो है वो डेवलप किया जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर इट्स मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट। हाल ही में विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा गुजरात सरकार को अपने मिशन स्कूल फॉर एक्सीलेंस प्रोजेक्ट के लिए कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, बताओ आप लोग आंसर, बताओ इसका आंसर, बताओ आप लोग इसका फर्स्ट, पहले आप लोग बताओ इसका आंसर, बताओ इसका आंसर बताओ। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग पता करो। AIIB की बात हुई है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर ये भी आप लोग पता करो। ठीक है ना, और पता है तो कमेंट करो। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7500 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए 7500 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर ए जो है वो 7500 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये अमाउंट आप लोग याद रखना, मिशन स्कूल फॉर एक्सीलेंस प्रोजेक्ट, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2021 में लॉन्च किया गया था, ये प्रोजेक्ट जो है 2021 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत में गुजरात सरकार अपने अगले 5 सालों में यानी कि 2026 तक के दौरान सभी 35,133 गवर्नमेंट स्कूल्स और 5,887 एडेड स्कूल्स में लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इन स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, इन सब पर इसमें काम किया जाएगा। ठीक है, और 3 फेजों में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो 7500 करोड़ रुपए जो है ये इसका आंसर होगा। ये आप लोग अमाउंट याद रखना। आप लोग वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे अगर हम लोग, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में होगा, डेविड आर मालपास उसके प्रेसिडेंट होंगे और AIIB इसका हेडक्वार्टर बताओ, मैं बता दे रहा हूँ, चलो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, इन अकॉर्डेंस विद द रिसेंटली रिलीज्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाटा, बैंक्स हैव रिपोर्टेड हाउ मच वर्थ ऑफ फ्रॉड्स ड्यूरिंग द अप्रैल टू दिसंबर 2021। ये टाइम डेडलाइन, ये टाइम ड्यूरेशन याद रखना, अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच में बैंकों के द्वारा कितना फ्रॉड रिपोर्ट किया गया, कितने रुपए का फ्रॉड रिपोर्ट किया गया, ये इस पर पूछा गया। ये टाइम आप लोग याद रखना। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 34,097 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी 34,097 करोड़ रुपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने भी कुछ डाटा रिलीज किया हुआ था और उस डाटा के अनुसार अप्रैल से लेकर दिसंबर 2021 के दौरान टोटल 27 शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों में जो है और भी दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं इनको मिलाकर टोटल 96 केसेस फ्रॉड के मिले। ठीक है, 96 केसेस फ्रॉड के मिले हुए थे और इन सभी 96 केसेस की अगर में बात करें हम लोग, तो इन सभी 96 केसेस के द्वारा टोटल 34,097 करोड़ रुपीस के फ्रॉड्स किए गए, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा डीप में थोड़ा सा जान लेते हैं और बाकी मतलब रिवीजन क्लासेस हैं तो रिवीजन के तरीके से ही चलेगा, नहीं पता ही था, मैंने बताया कि बहुत डीप में नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जानेंगे यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड केसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो PNB पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज़्यादा फ्रॉड केसेस सामने आए, टोटल 10 फ्रॉड यहाँ पर किए गए, टोटल 10 फ्रॉड्स यहाँ पर किए गए थे पंजाब नेशनल बैंक में और ये लगभग 4,820 करोड़ रुपीज के फ्रॉड्स हुए 10 केसेस में, टोटल 4,820 करोड़ रुपए के फ्रॉड हुए पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक ना, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का नंबर आता है, फिर इसी तरीके से थर्ड नंबर पर यस बैंक आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने अपने डिटेल क्लास जब पढ़ी हुई थी तो वहाँ पर पढ़ी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 34,097 करोड़ रुपीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फिनटेक इकोसिस्टम इन गिफ्ट IFSC व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA। गिफ्ट IFSC में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए हाल ही में किस कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया, इसका आंसर बताओ। शुरू के 2-4 सेकंड आप लोगों के लिए हमेशा रहेंगे और इसका आंसर दो, आप लोग बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुजरात वेंचर्स फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी गुजरात वेंचर्स फाइनेंस लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा और इसके एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। गुजरात वेंचर्स फाइनेंस लिमिटेड ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका आंसर हो गया। और अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस रिवीजन क्लास का अपनी। विच बैंक मोबाइल ऐप हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट्स अवार्ड इन द रिसेंटली कंक्लूडेड डिजिटल CX अवार्ड 2022। हाल ही में संपन्न CX अवार्ड 2022 में किस बैंक के मोबाइल ऐप को आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, बताओ आप लोग आंसर बताओ, पहले आप लोग आंसर दोगे फिर उसके बाद मैं आंसर दूंगा, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा, बताओ आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाने के बाद में वीडियो खत्म होगा और आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट कर कर बताना होगा कि क्या स्कोर रहा आपका। आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए और जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन में किस जिस जिस भी क्वेश्चन में बताई गई कि आपको चीज़ें याद आ रही थी, रिकॉल कर पा रहे थे या नहीं, ठीक ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डिट्टो यही क्वेश्चन यहाँ पर आ जाने वाला है जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। एग्जाम में क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ें बताई जाती है वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और एक्सप्लेनेशन से भी जो क्विज होंगी ना वो क्विज भी मैं रेडी कर रहा हूँ, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी वो क्विजेज भी आपको जो क्विज वाला हमारा बैच है उस पर मिलने लगेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इंडसइंड बैंक, इसका जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल सीएक्स अवार्ड जो है वो डिजिटल बैंकर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। डिजिटल बैंकर क्या है? तो डिजिटल बैंकर एक फाइनेंशियल न्यूज सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, ये ग्लोबल लेवल पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इसी ने भी हाल ही में डिजिटल सीएक्स अवार्ड ऑर्गेनाइज किया हुआ था। और इंडसइंड बैंक के मोबाइल ऐप इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन, फिर से सुन लो, इंडसइंड बैंक के मोबाइल ऐप इंडस इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन को आउटस्टैंडिंग डिजिटल सीएक्स पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर होगा इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इंडसइंड बैंक के हेडक्वार्टर की अगर लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शन में जो बैंकें दी गई इनका हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ, अपलोड टैगलाइन, मतलब जो भी चीज़ें रिकॉल आ रही हैं, याद आ रही हैं, उसको याद करो, कमेंट करके बताओ, चीज़ें याद आपको अल्टीमेटली होनी चाहिए, ठीक। तो बस आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और आज हमारी रिविजन की दूसरी क्लास थी और हम लोगों ने 10 और बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की। वीडियो यहीं पर खत्म हो रहा है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर कर बताओ कि क्या आपका स्कोर कैसे रहा, ठीक है। अगले आने वाली क्लास में हम लोग इससे आगे की चीज़ों को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और मिसलिनियस क्विज भी मैं तैयार कर रहा हूँ जो कि एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन उठा उठा के मैं बना रहा हूँ, तो वो भी आपको जो क्विज वाला बैच है हमारा वहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग देखना और अपनी तैयारी देखना कि किस हिसाब से आपकी कैसे क्या तैयारी चल रही, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी अगले रिविजन क्लास में।